देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अपने लोकसभा क्षेत्र खजुराहो में एम्स की मांग की है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था बुंदेलखंड में है, एम्स वहां आना चाहिए। बीडी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो में एम्स की मांग की है। उनकी इस मांग पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि बुंदेलखंड में एम्स आना चाहिए। देश में सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य सुविधा बुंदेलखंड में है। वहां चिकित्सा सुविधा बहुत कम होने के कारण लोग इंदौर, भोपाल और जबलपुर में इलाज करवाने जाते हैं। यहां तक पन्ना जिले के किसी भी तहसील में, यहां तक कि पन्ना जिले की किसी भी तहसील में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। बहुत जरूरी है कि बुंदेलखंड में एम्स खुले। पूरे भारतवर्ष में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं बुंदेलखंड में सबसे कम है। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि पन्ना जिला भारतवर्ष का सबसे गरीब जिला है। पन्ना जिले की किसी भी तहसील में लेडी डॉक्टर नहीं है। अब आप कल्पना करें कि 3-3 लाख महिलाओं के बीच में महिला डॉक्टर नहीं है, किस तरह की समस्याएं महिलाओं को आती हैं, कैसे उन समस्याओं से उनका निपटारा होता होगा, ये ईश्वर ही जानता है। केवल एक बार पबई में महिला डॉक्टर रही है, जब मैं वहां से मंत्री था। उसके बाद किसी भी तहसील में, अजयगढ़ में, शाहनगर में, गुन्नौर में, देवेंद्र नगर में, सिमरिया में, कहीं लेडी डॉक्टर नहीं है। और ज़्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, या तो एक आध दो नर्स है या नॉन क्लिनिकल स्टाफ है। एक अस्पताल तो ऐसा है कि जिसकी इतनी शानदार बिल्डिंग पिछले 8 साल से बनी हुई है, और जब से बनी है वो 8 साल से ही बंद है अस्पताल, कभी उसमें कोई गतिविधियां नहीं हुई। यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट को जिस तरह से चलाया जा रहा है, वो इसलिए इतना जर्जर और कमज़ोर अवस्था में पहुंचा दिया गया ताकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो फले फूले और डॉक्टरों को उसका कमीशन मिले रिकमेंडेशन का। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।